वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? भाई बच्चे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, और बस भगवान जी से कामना करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे रहें, अपने घरों में स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के रूटीन में अब स्टार्ट कर रही हूँ। अपने पूजा मेरी हो चुकी है, नहा भी चुकी हूँ मैं, और आज मुझको बनाना है। अभी पहले मैं चाय बनाऊँगी, किचन में चलते हैं। ठीक है, तो किचन में आज मुझे सब्जी लेने के लिए जाना था मार्केट में, लेकिन मैं आज गई नहीं, फिर थोड़ा मैंने कहा चलो कोई नहीं, रखी हुई अभी सब्जी, कल लेकर आते हैं। ठीक है, तो अब बनाते हैं चाय, तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। चलिएगा आप लोग भी मेरे साथ में, ठीक? ये देखिए गाइस, ये मेरा राजमा उबल रहा है, इसमें मैंने आलू भी डाले हैं। आज मैं राजमा बनाऊंगी और आलू डाले हैं इसमें, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। चाय मेरी बन चुकी है, ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। और ये मेरा तनिष्क सो रहा है, ये सुबह जल्दी उठ जाता है, डप्पी को घुमाने के लिए जाता है, और अब ये सोया पड़ा है। देखती हूँ, बात करके उठा के देखती हूँ, नहीं उठ रहा है, उठा के देखती हूँ। तंशु तंशु तंशु, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठना नहीं बेटा अभी, अभी उठो गए? तो लीजिए, आलू मेरे उबल चुके हैं और मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, किचन से बाहर आ गई हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पंखा चला रखा था मैंने ऊपर, और यहाँ बैठ के मैं इन आलू को छील रही हूँ। यहीं पे मैंने अपनी प्याज लहसुन रख रखे हैं, उनको भी मैं कट कर लेती हूँ। तो फिर ये सब करने के बाद में फिर चलते हैं किचन में। और ये मेरे आलू ना बहुत गर्म हो रहे थे, तो मैं इनको मतलब ठंडे भी किए थे मैंने, बट हुए नहीं अच्छी तरह से। और उधर मेरे जल्दी मतलब खाना बनाने की बहुत जल्दी हो रही है, हस्बैंड को कहीं बाहर जाना है, बार बार चिल्लाए जा रहे हैं जल्दी कर, मैंने कहा कर रही हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से आलू छील रही हूँ अपने, उसके बाद में मैं अपना सारा मसाला कट कर लूँगी, टमाटर प्याज अदरक लहसुन जो भी मुझे कट करना है वो सब मैं कट कर लूँगी यहाँ। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आपको मैंने रोका थोड़ा ही ना किसी काम के लिए। जो मेरा काम है, जितना टाइम मेरे काम में लगना उतना लगना ही है। तो लीजिए मेरे प्याज और मतलब लहसुन जो है वो कट चुके हैं यहाँ पर, देखो ये मैंने मतलब चॉपर से कट किए हैं, बहुत अच्छे से कट हो जाते हैं। ये मैंने एक बार पहले भी दिखाया था आपको, मैं लेकर आई थी, तो ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब इसकी हेल्प से ना मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, आसान हो गया है बहुत ज़्यादा। और प्याज से मतलब आंखों में आंसू भी नहीं आते, वरना तो झल लगती है प्याज की ना, बहुत मुश्किल हो जाता है काटना, या तो चॉपिंग बोर्ड पे काटो या चॉपिंग बोर्ड पे भी मतलब आंखों में आ जाते हैं आंसू, बट इसमें नहीं पता चलता है। इसमें बहुत अच्छे से कट हो जाती है और बारीक भी हो जाती है, जितना हम बारीक करना चाहते हैं उतने बारीक हो जाती है। तो मेरा तो काम इससे आसान हो गया गाइस, आप लोग भी ले लीजिए अगर आपको चाहिए हो तो, बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर मेरा सामान रखा हुआ है, ये टमाटर रखे हुए हैं, टमाटर है, धनिया मंगवाया था मैंने अभी, अदरक भी खत्म हो रहा था, अदरक भी मंगवाया है, और आलू ये लेकर आए खुद से ही, क्योंकि आलू तो रखे भी हुए थे लेकिन ले आए हैं फिर भी, मैंने कहा चलो कोई नहीं है तो काम आते भी रहते हैं। और ये जो पैकेट रखे दिख रहे हैं आपको, इसमें मैंने मंगवाई मिश्री, मंदिर की मिश्री खत्म हो रही थी प्रसाद में जो मैं यूज करती हूँ, तो ये सब मैं उठा के रख दूंगी। और मिश्री जो है ये मैं मंदिर में ले जाके पैकेट मतलब कट करके ना, जो मेरा डब्बा रखा हुआ है प्रसाद का, मैं उसी में रख दूंगी, क्योंकि रोज चाहिए होती है मेरे को, ये भोग लगाना होता है प्रसाद का, तो ये मैं मंदिर में लेके चल रही हूँ। चलो मंदिर में चलते हैं, फिर वहां पे कट करके इसको खोल करके रख दूंगी मैं इसे। उसके बाद में बस अपना पूजा मेरी हो ही गई थी, और ये सब करने के बाद में मैं किचन में चलती हूँ, फटाफट से जाके मुझे खाना बनाना है। तो चलिए फिर अपना प्रसाद खाली कर देते हैं इसमें।
तो मैं किचन में आ चुकी हूँ गाइज, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है और इसके अंदर डाला है मैंने जीरा। ये मैं जीरा मतलब जब ब्राउन हो जाएगा, यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रखी हुई है, उसके बाद में जीरे के बाद में मैं प्याज डालूंगी इसमें, और प्याज ये प्याज लहसुन कटे हुए हैं ये ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद में मैं अपना डालूंगी इसमें टमाटर, और टमाटर में थोड़ा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, उसको अच्छे से भूनूंगी मैं अच्छी तरह से, जब वो ऑयल छोड़ने लगेगा उसमें मसाले डाल दूंगी। अब देखते जाइए अब मैं क्या क्या करती हूँ, अच्छे ध्यान से देखिएगा और मेरी रेसिपी से बनाकर जरूर देखिएगा। ये मैं राजमा बना रही हूँ, आलू ऐड कर रहे हैं मैंने इसमें, तो ये देखिए मेरा ये प्याज लहसुन ब्राउन हो रहे हैं, उसके बाद में मैं इसमें क्या डालती हूँ आप ध्यान से देखिए, और इसको हम चमचे से चलाते रहेंगे अच्छी तरह से। तो उसके बाद में मैं डालूंगी इसमें टमाटर, ये देखिए मैंने चॉप करके रखा हुआ था, पेस्ट ही बना रखा है इसका, मतलब अच्छे से मैंने चॉपर में इसका पेस्ट बना दिया था, तो इसको मैं डाल दिया है इसमें। अब इसको मैं चला लूंगी चमचे से अच्छी तरह से, ये पूरी अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाएगा और भुनने लगेगा, उसके बाद में ध्यान से देखिए, और ये मैश हो गया है अच्छे से। इसमें मैंने नमक डाल दिया, नमक से ना अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाता है, इसका पेस्ट अच्छे से बनता है। इसमें हल्दी डाली है मैंने, उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच है लाल मिर्च, और ये धनिया पाउडर है, ये अपने स्वाद के अनुसार डालते हैं लाल मिर्च और नमक तो हम, और धनिया पाउडर थोड़ा सा मैंने अमचूर डाला है इसके अंदर, और गरम मसाला मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ गाइस, ये ध्यान रखिएगा आप, मैं हर सब्जी में बाद में डालती हूँ, थोड़ा सा मैं पहले डाल देती हूँ लेकिन थोड़ा जो मुझे डालना होता है बाद में डालती हूँ। तो ये मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, और इतना मैं भूनूंगी इसमें ऑयल छोड़ने लगेगा, ये साइड से मतलब ऑयल आने लगता है, तब तक मैं भूनती रहूँगी इसको, और उसके बाद में अच्छी तरह से भूनने के बाद ना इसमें स्मेल भी आने लगती है, अच्छी सी खुशबू आती है प्यारी सी, मसाला भून जाता है जब। तो इसमें मैंने अपना पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा, पानी डालने के बाद में मैं इसको चला दूंगी, और फिर मैं इसमें डालूंगी मैंने पोटैटो मतलब मैश करके रखे हुए हैं, कद्दूकस करके रखे हुए थे, आज मैंने कट करके नहीं डाले हैं, कद्दूकस करके डाले हैं, ये मतलब थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में मैंने सब्जी बनाई है राजमा की, तो बहुत टेस्टी बनी थी गाइस, आप भी बनाकर देखिएगा ज़रूर इसी तरह से। और ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया है इसमें, और यहाँ पे मैंने अपने राजमा रखे हुए हैं उबाल के, ये अच्छे से बॉईल करके रख दिए थे मैंने, रात को मैंने भिगोए थे और सुबह बॉईल कर दिए थे, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ये मेरे राजमा, तो मैंने इनका पानी इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो मेरे राजमा है इनको मैं ऐसे नहीं डालूंगी गाइस, मैं कभी नहीं डालती हूँ ऐसे ही मतलब लिए निकाले और डाल दिए, नहीं, इसमें मैं अभी आलू डालूंगी, और उसके बाद में मैंने साइड में रखा हुआ है राजमा अपना, इसको मैं मैशर से या फिर हाथ से अच्छी तरह से मैश कर दूंगी, हाफ राजमा को ऐसे ही रखूंगी, हाफ को मैं अच्छी तरह से मैश कर दूंगी। अब इसमें ऐड कर दूंगी कढ़ाई में जो मेरा मसाला भुन चुका है, पानी मैंने डाल दिया, इसमें मैं अपना ऐड कर दूंगी अपना राजमा, और राजमा डालने के बाद में अच्छी तरह से चला दूंगी, और इसको मैं ढक के रखूंगी गाइस पकने के लिए। नमक मिर्च मसाले स्वाद के अनुसार सब डल चुके हैं इसके अंदर, बस मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला डालूंगी वो बाद में सब्जी बनने के बाद में। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, इस फॉर्म में आ चुकी है मेरी सब्जी, और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, और जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना उससे ज़्यादा अच्छी टेस्टी लग रही है खाने में। तो आप लोग बनाकर देखोगे तभी टेस्ट पता चलेगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए बन चुकी है मेरी सब्जी, एकदम रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं अपना डाल रही हूँ हरा धनिया, ये मैं कट करके डाल रही हूँ यहीं पे, गैस बंद करके उस पर मैं डाल दूंगी, लास्ट में डालती हूँ मैं हरा धनिया, क्योंकि पहले डालेंगे तो कोई खुशबू नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, बाद में ही डालती हूँ मैं, तो सभी डालते होंगे शायद, पता नहीं, अपना अपना स्टाइल है। तो यहाँ पर मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है, और मैंने इसके साथ में बनाए थे चावल, थोड़े चावल बनाए हैं, और मैं थोड़े से फुलके बनाऊँगी, क्योंकि मैं और मेरी बेटी, मेरा बेटा है एक, तो वो तो हम चावल ही खा लेते हैं, और हस्बैंड जो है उनको चाहिए मतलब फुलका साथ में, तो भाई भी था खाने पे और हस्बैंड थे, उनके लिए मैंने फुलका भी बनाया था। तो यहाँ देखिए मेरे चावल बन चुके हैं, मैं खाना सर्व कर रही हूँ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी राजमा चावल, तो मेरे तो फेवरेट हैं, आपके भी होंगे पता नहीं, बट मेरे तो फेवरेट हैं तो इसलिए ये मैं भाई के लिए खाना डाल रही हूँ, हस्बैंड के लिए भी दे दिया है मैंने, वो दोनों खाना खा लेंगे, मैं बाकी के काम ख़त्म करती हूँ। तो
गाइस मैं आई हुई हूँ आज अपने भाई के घर, और भाई के घर पे ही मैं ये ब्लॉग आगे का कंप्लीट कर रही हूँ। तो खाना मैंने खा लिया है और आज मैंने बनाए थे राजमा चावल, जैसा कि मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो राजमा बनाया था मैंने आज डिफरेंट स्टाइल में बनाया था, उसमें पोटैटो ऐड किए थे। तो आप लोग भी ट्राई करके देखना कैसा लगता है, और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आज मैं अपने भाई के घर का होम टूर कराऊंगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में, मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ओके डर्फी, तो गाइज अब हो रही है शाम और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। तो मेरा ब्लॉग देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट, एंड गाइज जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन आता उस पर भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।